फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में आपका। और बस आज बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि घर में रहते रहते और घर का ही काम करते करते मन थोड़ा सा उब जाता है, तो आज हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए निकले हैं। और आउटिंग में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो खरीद भी लेंगे और थोड़ा सा मन भी जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाउस वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, अगर एक टाइम पर ही घर में रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं आपस में, मतलब लोकल में कहीं तो जाने का मन करता है। तो बस वहीं जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जाएंगे ओब्वियसली ये कैमरा और ये वीलॉग वहीं जाएगा, क्योंकि डेली वीलॉग है तो हम डेली क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं आप सबको पता चल जाता है, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के मेम्बर हैं तो फैमिली को तो सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीलॉगिंग यहीं से। हम आ गए यहाँ पर और काफी शोर हो रहा है क्योंकि जो है काफी क्राउडेड है। देखते हैं, चलते हैं कि क्या क्या शॉप कर सकते हैं। और अविष्का इज वेरी हैप्पी नाउ, क्योंकि शॉपिंग के नाम से ना लड़कियाँ हो चाहे लेडीज हो, बहुत खुश हो जाती हैं। और साथ में थोड़ा छत पे मैं जा रही हूँ, और छत में मैं इसलिए जा रही हूँ कि थोड़ा सा ऊपर भी देखना पड़ता है मुझे कि वहाँ पर पौधों में पानी वानी है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जब ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनका ख्याल भी तो मैं ही रखूँगी। तो फिलहाल तो मेरे पौधे काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। तो दिखाती हूँ कि यहाँ तो ठीक है, फिलहाल सब कुछ एवरीथिंग ओके है और यहाँ पर पौधों की हरियाली सही है, सब कुछ है। तो बस इनको देख करके तो मैं खुश हो ही जाती हूँ, क्योंकि इनका सब, जब इनका सब कुछ सही चल रहा हो तो सब कुछ सही है। तो मतलब इनमें भाई पानी की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी है तो मैं डाल देती हूँ। और वैसे तो शाम हो गई है पर पानी थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि शाम को ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी वरना ये मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने बालकनी में कुछ चेंज किया है, और बालकनी में चेंज क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पर मैंने लगाए हैं तीन पौधे, ये देखिए कैक्टस की मैंने तीन नहीं बल्कि चार पौधे लगाए हैं। और ये जो पौधे हैं ना, ये पौधे जो है मेरे पास कैक्टस का जो प्लांट है उनको कटिंग करके लगाया, क्योंकि जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं ऐसे कट करके लगा देती हूँ। तीन पौधे ये लगाए हैं और एक छोटा सा पौधा लगाया, देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा लगाया, तो चार पौधे लगाए हैं मैंने यहाँ पर। और ये बहुत बड़े हो जाते हैं आपको बता दूँ। तो मैं अपनी बालकनी में जो है कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है सूनापन आ गया है, तो मैं थोड़ा बहुत कभी ऐसे कभी वैसे चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जिनको इनको ऊपर या नीचे या नीचे या ऊपर मैं करती रहती हूँ, तो थोड़े से पौधे अरेंज कर दिए, क्योंकि आजकल गर्मी में ना पौधे बच नहीं रहे। फ्रेंड्स, हो गई है शाम, और शाम के टाइम तो होता है चाय का टाइम। पर मैं बता दूँ कि अविष्का ने जो मांगा है ना, वो उसको करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि अविष्का को चाहिए आज बर्गर टिक्की चाहिए, तो मैं सोच रही घर में बना के खिला दूँ, तो थोड़ा सा बर्गर ले आती हूँ मार्केट से। और ये देखिए ना, मैं नीचे आती हूँ ना, अगर मैं लाइट ना जलाऊँ तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जलाता, मेरा घर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जब शाम को आती हूँ तो देखिए कितना अंधेरा है बिल्कुल अंधेरा। तो मैं यहाँ पर लाइट जला देती हूँ, और लाइट के साथ साथ भगवान की बत्ती भी जला देती हूँ, क्योंकि संजा बत्ती भी करना है मुझे भी थोड़ी देर में। तो फिलहाल भगवान जी आ जाए लाइट में। तो चलती हूँ, लेके आती हूँ जो है बन खरीद के लेके आती हूँ, और फिर टिक्की बनाऊंगी और फिर उसमें अविष्का को खुश करूंगी। ये देखिए बच्चा सतानी कर रहा है, पता है आपको, ईंटा फेंक रहा था बच्चे आजकल ऐसे ही करते हैं। तो फिलहाल मैं ले आई हूँ अविष्का के लिए, क्योंकि अविष्का को खाना था। तो आपको बताऊँ, आजकल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो है गर्मी के सीज़न में लोग रखते कम है, तो काफ़ी दूर से लाना पड़ा मुझे इसे। चलिए बना लेती हूँ जल्दी जल्दी।
मैंने जो है वो बना ली है यहाँ पर, ये टिक्की बना ली है, साथ में चाय बना ली है। और ये तो हो गया कि शाम की तैयारी हो गई कि चलो सबको हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, पर यहाँ पर और ये बर्तन है ना, ये बहुत दुखी करने वाले हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन है, मुझे पूरा सिंक भरा पड़ा है, इसको मांजना है। और ये जो टिक्की बनी है ये बर्गर के लिए बनी है, तो बस मैं जा रही हूँ बर्गर बनाने। जो है वो रेडी हो गया है, और क्योंकि अविष्का को मैंने टमाटर नहीं डाला, क्योंकि अविष्का टमाटर डालो ना तो निकाल के बिल्कुल बाहर कर देती हैं, तो फिलहाल इनका बर्गर रेडी है। और अभी बहुत सारी टिक्की बची हुई है, क्योंकि ये देखिए अभी टिक्की काफी तवे बची है, वो हमारे लिए है, तो ये खा ले अपना नाश्ता। मम्मा टिक्की अलग से दे देना, मैं टिक्की भी खाऊंगी बर्गर भी खाऊंगी। टिक्की भी खाएंगी। और ये जो दो बर्गर देख रहे हैं ना, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, इसमें से एक छोटा है जो मैं खाऊंगी और बड़ा वाला मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो और अविष्का अपना बर्गर खत्म कर चुकी है, और खत्म करने के बाद भी कहती हैं कि मम्मा मुझे एक और बना दो। देख हमने आई है। और जैसा कि मैं हमेशा जो है वो रात में ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट किचन क्लीनिंग जो है वो सबके घर में होनी चाहिए, और ये इससे जो है हमारा जो घर होता है ना वो उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो नहीं आते हैं। तो हम हमेशा ये काम हमेशा मैं रात में कर लेती हूँ, और इससे कहते हैं ना कि अगर कल की तैयारी अगर आपको करनी है तो रात में ही ये सारी तैयारी कर लीजिए, तो बड़ा ही आसान हो जाता है। और अविष्का को स्कूल जाना है तो किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना और उसके कपड़े प्रेस करना, जो भी कल की सुबह सुबह ज़रूरत होगी वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। पर कहते हैं ना कि हाउसवाइफ जो है मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, अब तो स्कूल जाने का टाइम हो गया है अविष्का का, तो मुझे 5:30 उठना पड़ता है, तो 5:30 से उठती हूँ और रात में जो है मुझे 11-12 बज जाते हैं। तो एक हाउसवाइफ जो है बहुत जल्दी सुबह उठती है और बहुत देर में सोती है। हम जो है हाउसवाइफ को कितना सुबह उठते हैं, और अगले दिन की तैयारी भी हमें रात जाकर करनी पड़ती है। तो फिलहाल सब तो रेस्ट पे चले गए, और मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह इनको भी जाना है। तो पहले इनके पापा के ऑफिस जाते थे तो भी करती हूँ, अभी भी मीटिंग जाते हैं तो भी करती हूँ, और ये भी करती हूँ। तो हाउसवाइफ का जीवन ऐसे ही होता है। तो फिलहाल अब देखिए मुझे नींद की ज़्यादा आ रही, मेरी आँखों में बिल्कुल लग रहा है कि अब कंट्रोल नहीं होगा, मुझे सो जाना चाहिए। तो बस मैं जो है अभी मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पीऊँगी बस, और बस अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो बस आप लोग इस तरह व्लॉग देखते रहिए, और बस इसी मुस्कुराहट के साथ मैं हर दिन व्लॉग नए नए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।